हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन को एक पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस राइट साइड में दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी से पहुँचे। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसे कोई ब्राउज़र में ओपन कीजिए। तो चलिए मैं उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इस लिंक में दी गई ऐप को आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। तो वो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऊपर दिए गए एरो पर क्लिक करते हैं इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। देखिए ये अभी डाउनलोड होगा, देखिए यहाँ पे ओके मारने को बोल रहा है, हम ओके पे क्लिक कर देते हैं तो ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड हो चुका है, अब हम इसे ओपन करेंगे, इंस्टॉल कर देते हैं। आपको भी सिंपली इसे इस तरह इंस्टॉल कर देना है। अब इसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे। अब जब हम ओपन प्ले करेंगे तो ये पीके ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें ये इंस्टॉल हो चुका है। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं कि यह कंप्यूटर जैसे दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम इस कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये डाउनलोड इंटरेस्ट अभी अपडेट हो रहा है, आप इसे प्लीज़ अपडेट करने दीजिए, बाद में इसे को ओपन कर दीजिए। अब इसको री इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि ये अभी अपडेट हुआ था ना, इसलिए इसको री इंस्टॉल करने को बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसे हम ओपन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर अब स्टार्ट हो चुका है। यह इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका कंप्यूटर आ चुका है अब आपकी स्क्रीन पर। तो आपको मैं कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा कि जिस तरीके से आप अपने मोबाइल को एक रियली कंप्यूटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कर्सर को होल्ड करेंगे, जिससे कि देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुला है। तो सबसे पहले हम इस स्क्रीन पे एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टली कर देंगे, यस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन डिस्प्ले आपको दिखा दे रही है। तो चलिए ये सारी गेम्स है, तो चलिए सबसे पहले कंप्यूटर को ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ये आपके रियल कंप्यूटर के जैसी डिस्प्ले आपको दिखा दे रही है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन भी है, तो आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा। तो दोस्तों अब मैं इसकी सेटिंग्स सारी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब सारी एप्स दिखा रहा है और यहाँ पे कई सारे फीचर्स है। देखिए कि कंप्यूटर है, एप्स है, गेम्स है, सर्च है और कॉल भी, ये कई सारे ऑप्शन जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरे कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका सेटिंग है। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन को दिखा रहा है कि विस्टा करना है, एक्सपी रखना है, विंडोज 7 रखना है या विंडोज 10 रखना है। यहाँ पे मैं विंडोज 10 रखता हूँ, आप चाहे तो विंडोज 7 रख सकते हैं, एक्सपी रख सकते हैं या विस्टा भी रख सकते हैं।
तो यहाँ पे ये तीन वाला ऑप्शन इसमें दिखा रहा है कि स्क्रीन नंबर, यहाँ पे अगर मैं चार कर दूँ तो यहाँ का ऑप्शन ये डिस्प्ले ना ये चार हो जाएगी। देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे अगर मैं तीन कर दूँ तो ये तीन हो जाएगा, वो आप एक बार कर सकते हैं। और यहाँ के स्क्रीन स्क्रीन की वो तो मैंने आपको सबसे पहले बता दी है। और ऐप की साइज अगर आप एक्स्ट्रा साइज पे कर देंगे तो आइकन बिग दिखेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल पे कर देंगे स्मॉल दिखेंगे। तो चलिए इसको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे आइकन बिग हो चुके हैं, तो फिर से मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ क्योंकि ये बिग अच्छा नहीं लगता है। देखिए ये सब यहाँ पे बिग बिग हो चुका है, मैं डिफ्यूटी साइज में रखता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट मेन्यू पे और सेटिंग के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है क्लासिक स्ट्रोक, और जो आप घुमाते हैं ना उसका इफेक्ट आता है। और ये शो बॉल, यहाँ की आप सारी सेटिंग चेक कर सकते हैं। ये डिस्प्ले टाइम डिस्प्ले हो रहा है, आप आवर में मिनट और सेकंड में चाहिए या आवर या मिनट में चाहिए, ये आप अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस ऐसी वीडियो हम रोज लाते रहें।